हाय अरीवन दिस इज़ मी योर अभिषेक सर योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू अर ब्यूटीफुल चैनल न्यू इंडियन एरा ऑल आई होप आपने इसके पहले के भी वीडियोज़ देखे होंगे ठीक है तो चलिए बच्चों आपको मैं एक शायरी सुना देता हूँ ठीक है बात है अच्छी खासी ध्यान से सुनिएगा ठीक है हो जाए बोलिए इर्शाद इर्शाद हो जाए रेडी देखिए दिल जल रहा है किस्मत आजमा रहा हूं ध्यान से सुनिए दिल जल रहा है किस्मत आजमा रहा हूँ खूब घुमाया उस बेवफा को बाइक पर खूब घुमाया उस बेवफा को बाइक पर और आज रिक्शा चला रहा हूँ ठीक है समझे कि नहीं समझे बेटा ये मजाक है ये हकीकत भी हो सकती है अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना तो बेवफा को बहुत घुमा लो बाइक पर बाद में क्या चलाओगे रिक्शा चलाओगे समझ में आ गया तो चलिए पढ़ ले अभी पढ़ लेते चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगेशन पीरियड ग्रुप ब्लॉक अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है उसमें कोई भी डाउट नहीं है बोलिए नहीं है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे और लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा कि आपको मैंने क्या होमवर्क दिया था और सीधी सी बात है जिसके कमेंट पर ज्यादा लाइक उसका ही आंसर राइट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आप आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग होगा फिर इसके लास्ट में एकदम इंटरेस्टिंग होगा इसका मतलब ये नहीं कि जारे के जारे करके लास्ट में देखो ठीक है ऐसा नहीं होता ठीक है स्टार्टिंग से देखते हुए चलो ठीक है चलिए स्टार्ट करते अब अब अपने को पढ़ना है ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से प्रॉपर्टी एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे कि अभी ये फोन दिख रहा है आपको ठीक है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है राइट तो अब इस फोन के अंदर कैसा है आपको कैरेक्टरिस्टिक कोई बोलेगा इसके पढ़ने के लिए तो आप कैसे पढ़ोगे कि इसका ना पहले तो आप देख लो कि इसका लेंथ इतना है ठीक है ये इतने इंचेस का है सेकंड आप क्या देख लो कि इसका कैमरा ऐसा है फिर थर्ड आप देख लोगे कि अरे वाह इधर पे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है ऐसे करके राइट मेरा ही है बोल रहे हो कि नहीं खुल रहा है करके खुल गया देखा तो इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को पढ़ना है किसका किसका पढ़ना है बेटा अपने पास चार ब्लॉक है कौन कौन से है एस है पी है डी है और कौन सा है एफ है तो उन चारों की हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये टॉपिक्स अपने को कवर करना है इस लेक्चर के अंदर ठीक है देखो ध्यान से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक करके राइट थोड़ा सा फास्ट जा रहा था चलिए आराम से बताता हूँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट ठीक है सो एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहला ये पॉइंट है द एस ब्लॉक पता ना आपको कहाँ पर है एस ब्लॉक पर है? बताइए आपके लेफ्ट साइड में देखो ध्यान से वहां पर क्या है? ब्लॉक है है? ठीक ब्लॉक होगा उसके अंदर ठीक है और सेकेंड क्या होगा बेटा ग्रुप टू जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बोलते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास एस ब्लॉक में दो ग्रुप है कौन कौन सा ग्रुप वन अलकली मेटल्स और ग्रुप टू अलकलाइन अर्थ मेटल्स आपको याद है ना कुछ इस तरीके से हम लोगों ने रखा था एस को याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था ये सिखाया था आपको बड़ा आदमी बनाया था ठीक है यहां से था ना हैली ना की रबड़ी सस्ती फ्री बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है तो इसमें जो ग्रुप वन है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा अलकली मेटल्स और ग्रुप टू को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा अलकलाइन अर्थ मेटल्स वो आता ना एक अल्कालाइन वाटर देखा है क्या अल्कालाइन वाटर ऑल राइट वैसे उसी तरीके से अब सेकंड देखिए ऑल देखिए ध्यान से ऑल दिस एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स ये लोग कैसे रहते हैं रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं एंड एक्वायर इन नेचर ओनली इन कंबाइंड स्टेट कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या उसको समझते देखिए अगर आप ना इनको ढूंढने के लिए जाओगे तो ये आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा कि देखो सर मैं लिथियम हूं मेरे को आओ लेके जाओ ऐसा नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा कंबाइंड स्टेट में मतलब वो एक ना तीन चार चीजों के साथ जुड़ा हुआ होगा समझ में आ गया समझा कि नहीं समझा जैसे आप ना अकेले नहीं हो आपके साथ मैं और बाकी के सर हमारे चैनल के सारे के सारे सर आपके साथ जुड़े हुए हैं उसी तरीके से यहां पर भी आप समझ सकते हो अब नेक्स्ट देखिए थर्ड देयर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन एक्सेप्शन के लिए लास्ट टाइम बताया था एक अलग से बुक बनानी है उसको खोलो अभी लिखो उसके अंदर देयर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम लिथियम और बेरिलियम इसको छोड़ करके आर प्रिडमेंटली आयनिक रहते हैं जैसे समझते हैं देखो ये जो जो तो कंपाउंड है ना वो दोनों आयनिक रहते हैं ठीक है अब देखिए कैसे दिस इज बिकॉज दे हैव ओनली वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैन लॉस रेडियली फॉर्मिंग एम प्लस और एम टू प्लस आयन समझते हैं हम लोग

तो फिर वो क्या कर सकता है इस एक इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकता है क्या कर सकता है बेटा दे सकता है तो जैसे ही ये दे देगा तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा एल आई क्या बन जाएगा एल आई लिथियम प्लस बन जाएगा तो एक प्लस क्यों है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाने वाले को, को कोई नहीं रोक सकता ये बात पक्की है ठीक है तो उसी तरीके से टू एस में एक इलेक्ट्रॉन था उसको कहीं जाना था वो चले गया और ये इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करके क्या बना दिया लिथियम प्लस उसी तरीके से बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलिए ना कितना होगा बेरिलियम का ठीक है याद नहीं है क्या बेरिलियम का याद कराया था ना बेरिलियम का कितना है फोर है तो इसका निकालो सबसे पहले कैसे निकलेगा वन एस टू टू एस टू तो यहाँ पर ये जो टू है ना टू कौन सा ये टू ये जो टू है ना ये टू ये इजीली डोनेट हो जाएगा और ये क्या बना देगा बेरिलियम टू प्लस बना देगा दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो टू प्लस तीन किया तो थ्री प्लस इसी तरीके से यही इसका रीजन है समझ so, में आ गया आपको ये क्या क्या बना सकता है बच्चा क्या क्या बना सकता है इट कैन फॉर्म आइदर वॉट इट कैन फॉर्म दिस टू थिंग्स कीप इट इन योर माइंड दिस एम प्लस ओके बेटा एंड अनदर वन विल बी वॉट एम टू प्लस ठीक है बेटा एम प्लस और एम टू प्लस ठीक है यहां तक कोई डाउट है नहीं ना नेक्स्ट चलते दे हैव लो आयनाइजेशन इन थॉलिस विच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप रिजल्टिंग इन इंक्रीज रिएक्टिविटी अब ये जो आयनाइजेशन इन थेल्पी होती है ठीक है और ये कैसे डिक्रीज होते जा रही है जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जा रहे हो ये मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोज में बता दूंगा उसका कुछ इशू नहीं है ठीक है क्योंकि कुछ बचा के भी रखूंगा लास्ट तक के लिए ठीक है क्योंकि आपको बहुत सी चीजें समझानी है ठीक है आवाजों पर मत ध्यान दो अपने लेग्स की तरफ ध्यान दो चलो आगे चले स्क्रीन ले लो एस ऐस एस फास्ट पहले भी बताया था जब वीडियो कॉल पे किसी से बात करते हो स्क्रीन शॉट खींचते हो ना सबको खींचने आता है ना तो ऐसे खींचो फटाक से इसका स्क्रीन लो चलो जल्दी करो आगे चलते ठीक है चलिए हो गया डन ओके चलो आगे चलते फिर नेक्स्ट चलो अब आगे चलते हैं बेटा देख कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक को ठीक है कुछ है क्या चलिए कुछ है नहीं जिंदगी में ऐसा मत समझिए मैं हूं आपके साथ ठीक है देखिए अब समझते हैं सबसे पहले ऑफ पी ब्लॉक इसमें समझो मतलब एक तरीके से वो आपको पता है पी ब्लॉक के रिगार्डिंग सब कुछ पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको पता है पी ब्लॉक कहाँ होता है पी ब्लॉक कहाँ होता है अगर आप कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे गर्ल्स आर ऑलवेज राइट तो पी ब्लॉक कहां पर होगा बेटा बोलो कौन से साइड में होगा राइट साइड में ठीक है इमोजी बना लो एक फटाक से क्या बनाओगे बोलो खुश हो जाओ चलो तारीफ किए बेटा कहां पे रहेगा पी ब्लॉक राइट साइड में रहेगा कौन से याद रखोगे कि नहीं Emoji बना के देता हूं मैं पी ब्लॉक राइट साइड में ठीक right right है आगे देखो नेक्स्ट अब अपने पास क्या बोल रहा है बेटा देगा देखो ध्यान से पी ब्लॉक एलिमेंट्स टूगेदर विध एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का साहब क्या मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना मी जैसे आपका में था ना मंडप के अंदर तो अध्यक्ष अध्यक्ष पिंटिया अध्यक्ष, अध्यक्ष को तो तो पकड़ने का वैसे ही है यहाँ पर भी क्या अपने को पूछेगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है तो फिर पी और एस ब्लॉक दोनों साथ में देखते ना बैनर में छपता है ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष वैसे करके तो

ये zigzag लाइन आएगी कुछ इस तरीके से याद करो याद करो दिन जिस दिन बताया था फिर इस zigzag लाइन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा मेटोलाइड बोलेंगे याद है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं मेटोलाइड और ऊपर की तरफ क्या रहेंगे हमारे बताओ ऊपर की तरफ रहेंगे हमारे नॉन मेटल ठीक है नीचे की तरफ हमारे क्या रहेंगे मेटल्स ऑल क्लियर है मेटल्स कहाँ है नीचे की तरफ और नॉन मेटल्स कहा दो तीन चार पाँच छता है ना कितना किसकी बात करेंगे ग्रुप नंबर थर्टीन की तो ग्रुप नंबर थर्टीन में क्या होता है देखो ध्यान से नहीं याद आ रहा है क्या ग्रुप नंबर थर्टीन में क्या होता है मैं दिखाता हूँ देखो ध्यान से चलो आ जाओ एक सेकेंड रुको बस वन सेकेंड हाँ देखो ग्रुप नंबर थर्टीन की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर थर्टीन की ठीक है तो ग्रुप नंबर थर्टीन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे लेंगे टेबल निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से ग्रुप नंबर थर्टीन में इधर देखिए ये किसकी फैमिली है बताओ ये बोरॉन की फैमिली है किसकी फैमिली है बेटा बोरॉन की फैमिली है ग्रुप नंबर थर्टीन फोर्टीन किसकी है कार्बन की जिसको हम लोग चालकोजेंस भी बोलते हैं चालकोजेंस मतलब समझता है क्या कोयला काला रहता है ना काला काला कौवा वैसा तो फिर उसी तरीके से कार्बन ठीक है तो कार्बन की जो फैमिली है उसको हम लोग चार्कोजेंस भी बोलते हैं कार्बन फैमिली भी बोलते हैं ठीक है ग्रुप नंबर कौन सा आता है इसमें फोर्टीन वन फोर ठीक है अब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन की फैमिली किसकी फैमिली बोलते हैं नाइट्रोजन की फैमिली मतलब फैमिली मतलब क्या बेटा ऐसे में देखना नीचे की तरफ नाइट्रोजन आगे पूछेगा ना नाइट्रोजन की फैमिली में कौन कौन है तो ये नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखाई जैसे आपको पूछते हैं ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली कैसे रिप्रेजेंट होगी आपके थ्रू या फिर आपके पेरेंट्स के थ्रू राइट आपके पेरेंट्स के थ्रू नंबर सुनना बेटा ध्यान से सुनना इजी बात है देख घर earth... के जो आपका दरवाजा है ठीक है उसके ऊपर अगर नेम प्लेट लगी रहेगी तो किसके नाम की लगी आपके नाम की नहीं ना किसके नाम की लगी आपके पेरेंट्स के नाम की तो फिर कोई भी आएगा तो पूछेंगे कि हाँ इनकी फैमिली का हेड जिनका नाम है उसके बारे में पूछेंगे तो पूछेंगे ना कि संतोष अंकल की फैमिली किधर है संतोष पाटिल की फैमिली किधर है तो उसमें लिखेगा संतोष पाटिल हाँ तो, हाँ। तो संतोष पाटिल की फैमिली ये पूरे के पूरे -के रूम के अंदर है ऐसा समझा कि नहीं समझा तो उसी हिसाब से नाइट्रोजन की भी एक फैमिली है ऑक्सीजन की भी एक फैमिली है फ्लोरिन की भी एक फैमिली है और हीलियम की भी क्या है? एक फैमिली है ठीक है क्लियर है बोलो क्लियर है कोई डाउट है क्या है इसमें नहीं ना कोई समस्या बोलो नहीं है नहीं है ठीक है आगे चले बेटा आगे चलते ठीक है मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ वो भी दिखा सकता हूँ ठीक है चलो दिखा दूँ क्या दिखाता हूँ चलो देखो एक सेकेंड रुको जस्ट ठीक है वन सेकेंड हाँ ठीक है बेटा स्टार्ट है अभी ठीक है बेटा समझा कि नहीं समझा वापस से देख लो ग्रुप में भी ज्यादा ग्रुप नंबर सेवेंटीन को हेलोजन फैमिली बोलेंगे कौन सी फैमिली बोलेंगे इसको मार्क कर लो अपने अपने नोटबुक के अंदर टेक्स्ट बुक जो भी लिया है आपने टेक्स्ट बुक के अंदर, के अंदर राइट टेक्स बुक के अंदर इसको मार्क करते हुए चलो ये किसकी फैमिली है सेवनटीन जिसने पूछा तो बोलने का हेलोजन की फैमिली है किसकी फैमिली है बोलो हैलोजन की फैमिली है ठीक है ग्रुप नंबर सिक्सटीन कोई बोलेगा तो बोलना चार्लोजेंस की फैमिली है इसकी फैमिली है चार्लोजेंस की ठीक है मैंने आपको बताया था कार्बन ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर ये भी आप लोग देख लीजिए कि एक्स माइनस और एक्स टू माइनस करता है ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है राइट क्योंकि इनर गैसेस में कैसा रहता है कमी नहीं रहती वो फुलफिल रहते हैं यानी कि स्टेबल रहते हैं इतना क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप होप सो हो आपको ठीक है चलिए आगे चले हम लोग फिर इसका इसको हम लोग ने लेफ्ट साइड में रख लेफ्ट साइड में रखा है एक्जैक्ट लाइन है इतना अपने को सारा का सारा क्लियर हो गया अब कैरेक्टरस्टिक्स किसकी पढ़ेंगे हम लोग डी ब्लॉक की पढ़ेंगे बेटा किसकी पढ़ने वाले डी ब्लॉक की यहाँ तक कोई डाउट है बोलो नहीं है ठीक है इसने कोई डाउट है क्या बेटा नहीं है ना डी ब्लॉक चढ़ लेते बेटा पढ़ लेते ठीक है सबसे पहले डी ब्लॉक ऑल मेटल से इनके बारे में अपने को क्या समझेगा सारे के सारे कैसे इन मेटल से ठीक है थीके? फिर उसके बाद यहां पर हम लोग ये बताएंगे कि इनको रखा कहाँ गया है मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी इसमें बता रहा सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीजें ठीक है कहां पर एस और पी के बीच में किसको रखा है डीप में ठीक है फिर ब्रिज बनाता है ब्रिज मतलब क्या होता है हर जगह पर आपने ब्रिज देखा रहेगा ना कहीं ना कहीं पर तो ब्रिज आपके आसपास देखो ना कहीं ना कहीं ना ब्रिज होगा तो ब्रिज क्या करता है ब्रिज ना एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ता है उस ब्रिज के बिना आप वहां से, वहां नहीं सकते लिख देगा कि नहीं बता रहा, रहा हूँ तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक कनेक्टेड है तो अगर यहां से यहां जाना ब्रिज के थ्रू ही जा सकता है ठीक है बेटा समझा कि नहीं समझा ना ठीक है आगे चलते दे मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजेस पार्शियड इनर डी ऑर्बिटल्स इसमें ना पार्शली फील रहता है मतलब हल्का फुल्का फील रहता है पूरा का पूरा फील नहीं रहता मोस्ट ऑफ द में डी की कैपेसिटी कितनी है मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ डी की कैपेसिटी आप अभी अभी कौन सा क्लास पास करके आए हो राइट तो आपकी डी की कैपेसिटी कितनी है टेन इतना क्लियर हो गया एज अ रिजल्ट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाने वाले टेंशन मत लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ठीक है पैरामैग्नेटिक क्या होता है ये सारे ये सारे टॉपिक्स आपको आने वाले में मिलेंगे ठीक है मैं ही पढ़ाऊंगा ठीक है एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड पास ना एबिलिटी रहती है एबिलिटी मतलब एक तरीके से इनके पास ना क्षमता है ठीक है क्या करने की कलर्ड आयन फॉर्म करने की क्या करने की बच्चा कलर्ड आयंस फॉर्म करने की मतलब ये लोग कलर दिखा सकते हैं जैसे इधर पे ये ब्लू कलर है ठीक तो है तो किसके थ्रू है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के थ्रू है ठीक है ऐसे आप समझ सकते हो उसको अब देखिए आगे दे कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट अब कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता है

अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे आज के इस टॉपिक पर वो है कैरेक्टरिस्टिक्स अभी खत्म हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है अब एब e ब्लॉक सबसे पहले आप लोग समझिए कहाँ से कहाँ तक है ध्यान से सीखिए इसको नोट कर लीजिएगा लेंथ एन नाइट सीरीज है फिफ्टी एट से लेकर के सेवेंटी वन कितने से लेकर के फिफ्टी एट से लेकर के सेवेंटी वन तक है ठीक है और कहाँ रखते हैं आपको पता ना एप e ब्लॉक मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कहाँ पे नीचे रखते हैं ठीक है फिर उसके बाद एक्टे नाइट नाइन्टी से लेकर के कहाँ तक है वन जीरो थ्री तक है 90 से लेकर के कहां तक है बेटा 103 तक है ठीक है फिर उसके बाद डी सीरीज आर नेम्ड आफ्टर देयर प्रीसीडिंग एलिमेंट्स लैंथेनम 57 ठीक है टू एक्टिनियम 89 इन द थर्ड ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक ग्रुप कौन सा बोला बेटा थर्ड ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक ऑफ द सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड रेस्पेक्टिवली ठीक है आई होप आपको ये सी समझा जाएगा ठीक है द लेंथ आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेयर मतलब एकदम कम मिलते हैं इसमें से ना मैन मेड भी है ठीक है तो फिर उसके बाद द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज इज फिल्ड विथ एन माइनस टू एफ सब्सियल एंड देर फोर दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है अगर ये रहेगा क्या रहेगा एन माइनस टू एफ सब्शियल में जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी इसको आप समझ के चलो क्योंकि ट्वेल्थ में पूरा का पूरा चैप्टर है डी एन एफ पे इसके लिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग को लग रहा है कि सर थोड़ा थोड़ा क्या बता रहे हैं बेटा जितना काम का उतना ही बता रहा हूं मैं ठीक है आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाले ट्वेल्थ में तो पढ़ना है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है नहीं पता नहीं पता दसवीं का प्यार ध्यान से सुनिएगा दसवीं का प्यार और ग्यारहवीं की मार्कशीट जिंदगी में कभी काम नहीं आती बेटा ठीक है तो देखिए अब वैसे इसी तरीके से यहाँ पर पढ़िए अभी हो भाई साहब किसको किसके बारे में सोच रहे थे देखो एलिमेंट्स बियॉन्ड 92 यू हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट ऑल द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट आर मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव मतलब इंसानों ने बनाया हुआ है ठीक है और कैसे हैं रेडियो एक्टिव है रेडियो एक्टिव मतलब आपको समझता है राइट right? रेडिएशन निकले उनमें से ठीक है चलो इतना क्लियर हो गया इन सबको ना पांच एक बार दो बार तीन बार पढ़ लेना अच्छे से बस इसको पढ़ के जाओ बस और ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में ठीक है अब आगे हम लोग पढ़ने वाले बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उसके पहले एक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करेंगे बेटा न्यूमेरिकल ठीक है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते चलो बनाओ देखो क्या क्लोराइड्स ऑफ टू मेटल्स आर कॉमन लेबोरेटरी केमिकल्स एंड बोथ आर कलरलेस दोनों के दोनों कैसे कलरलेस है मतलब ना क्लोराइड्स ऑफ टू मेटल्स मतलब मैं अपने पास दो मेथड है दो मेटल है क्या बेटा दो मेटल है दोनों के दोनों सपोज कलर है, ये मेटल है दोनों वाटर दोनों दोनों एक ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ और दूसरा बहुत स्लो ठीक है प्लेस द टू मेटल्स इन अप्रोप्रियट ब्लॉक आपने को क्या करना है ये दोनों मेटल को ना सही ब्लॉक में रखना है अकॉर्डिंगली नहीं समझा सिंपल है देख बेटा फॉर एग्जाम्पल ये ना अपने पास एक मेटल है ठीक है और ये अपने पास दूसरा मेटल है कितना मेटल हो गया अपने पास दो मेटल हो गया एक ये और एक ये ठीक है दोनों समझ में आ गया अब ये दोनों मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ किसके साथ क्लोरीन के साथ अब जैसे ही इन दोनों मेटल्स को मैं पानी में डालता हूँ ठीक है तो ये वाला जो है ना ठीक है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था और ये वाला भी रिएक्ट कर रहा था पर जब जैसे ही मैंने इसको पानी बना तो पानी के साथ ये जल्दी रिएक्ट किया और ये पानी के साथ स्लो स्लो रिएक्ट किया तो ऐसा क्यों और ऐसा है तो फिर मैं इनको कहां पर रखू पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में रहेंगे ये ऐसा इन्होंने पूछा है आई होप आपको समझा होगा राइट right? अब देखो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द फोर ब्लॉक्स मेटल्स हमारे चारों के चारों ब्लॉक में रहते हैं एस में भी रहता है पी में भी रहता है डी में भी रहता है एफ में भी रहता है ठीक है ऑफ द पीरियडिक टेबल सॉल्ट ऑफ मेटल्स इन द एप ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट ए एल सी एल थ्री आर नॉट कॉमन लाइब्रेटरी केमिकल्स जो ए एल सी एल थ्री रहता है ना उसको छोड़ के बाकी के सारे के सारे हम लोग कैसे कॉमन लाइब्रेटरी में यूज नहीं करते ठीक है देयर फोर द चॉइस इज बिटवीन एस एंड डी ब्लॉक तो अपने पास चॉइस किस में किस में बचा खाली एस और डी में बचा है एस में या तो चुनो या तो डी में चुनो ठीक है फ्रॉम द गिवन प्रॉपर्टीज देयर प्लेसमेंट डन इन एस शोन बिलो ठीक है इसका प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या प्रॉपर्टी बताया कि एक बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और एक बहुत स्लो रिएक्ट करेगा तो उस हिसाब से वो ये बोल रहा है कि सर एस ब्लॉक को एस ब्लॉक के अंदर जो रहेगा ना वो वाला बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और जो डी में वो पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है नहीं समझा सिंपल है ना बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टीज के टाइम पर पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स में एस के जितने भी रहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं पानी के साथ ठीक है तो फिर ये एस में रहेगा और डी में जो रहेगा वो बहुत स्लो रहेगा और एफ और पी में इसके लिए नहीं है क्यों क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या है कॉमन लैबोरेटरी केमिकल्स है एक्सेप्ट इसको छोड़ करके ठीक है ये इसका रीजन था समझ में आ गया क्लियर है बोलो क्लियर है ठीक है एक दो बार इसको प्रिवेंट करके वीडियो को देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं चलो बेटा क्लियर हो गया ठीक है अब देखो सीधी सी बात है अब लास्ट टॉपिक है बस पांच मिनट और फिर खत्म वीडियो ठीक है मैं भी बहुत थक चुका हूं कितने बजे से शूट कर रहा हूँ सुबह से शूट कर रहा हूँ देखो अभी कितना बज गया एक सोलह हो गया दस बजे से शूट कर रहा हूँ ठीक है तो चलो ये लास्ट वीडियो आपके लिए और आप मेरे लिए क्या कर सकते हो वीडियो को लाइक करिए और मेरे को बताओ कैसा लग रहा है मतलब मेरे को कमेंट पढ़ना रहता है मतलब जैसे ही थोड़ा सा ऐसा रहता है ना तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है तो थोड़ा कभी कभार कमेंट वमेंट पढ़ लेंगे हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे देख लेंगे कि कितने बच्चों को पसंद है हम ठीक है वैसे तो देखो कभी भी इतना याद रखना जीवन में ना आप सबको पसंद नहीं आ सकते क्योंकि भगवान भी सबको पसंद नहीं है ठीक है ना तो उस हिसाब से आप सबका पसंदीदा बनना छोड़ दीजिए आप खुद अच्छे से रहिए खुद आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ठीक है मस्त मौला दुनिया वाली ठीक है मस्त मौला अपना एकदम अपनी दुनिया में रहिए चलिए इधर देखिए चलिए पढ़ लेते ठीक है अब देखिए हाउ विल यू देखो पीरियडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी अब ये क्या बोलता है वी विल नाउ डिस्कस इन दिस सेक्शन द पीरियडिक ट्रेंड्स इन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स फिजिकल और केमिकल आपको पता है फिजिकल मतलब जो आप

यहां पर ना बाहुबली पिक्चर देखा है ना बस फिर ये देख लो अब ये समझ में आ जाएगा देखो ये यह यहां पर ना सेंटर है ठीक है सेंटर क्या है अपना न्यूक्लियस है फिर यहां पर ना ये उसने ऐसे करके बनाया ठीक है ये फिर सेकंड यहां पर ऐसे करके बनाया और यहां पर ना देखो ऐसे करके ठीक है समझा कि नहीं समझा ये देखो ना शील्ड बनाता था, था ऐसा बाहुबली पिक्चर में उधर से वो काले पीले आते थे उन् लो भुंड लो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे ठीक है तो उसी उसी तरीके से ये यह यहाँ पर है और एक यह यहाँ पर यहाँ पर है ठीक है यहाँ पर बीच में है बीच में कौन है बीच में आपके अभिषेक सर है कौन है बेटा आपके अभिषेक सर है ठीक है बेटा आपके अभिषेक सर है राइट रुको मैं खुद को बना रहा हूँ तो अच्छे से बनाऊँ थोड़ा ठीक है यहाँ पर आपके कौन है अभिषेक सर है बेटा ठीक है इतना समझा ये कुछ इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझ लीजिए ऑल ये आपके अभिषेक सर है यहाँ पर तो अब देखिए ध्यान से ये मेरे पास शील्ड है एक तरीके से ये मेरे पास एक एक तरीके से ऐसे करके ठीक है अब इसको समझते हैं हम लोग डीप में समझेंगे एकदम कैसे समझेंगे बेटा डीप में यहाँ पर ना मैंने ओ, वो कटप्पा को खड़ा किया है किसको खड़ा किया बेटा कटप्पा को खड़ा किया कटप्पा जानते हो ना कौन है देखे हो कि नहीं देखे हो कटप्पा को तो ये कटप्पा को खड़ा किया है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पर मैं किसी भी एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ ठीक है जिस स्टूडेंट का वो नाम रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि सर मेरा नाम ये है मैं चलो एक नाम ले लेता हूँ संकेत करके क्या नाम ले लेता हूँ संकेत देखते हैं हमारे पास संकेत नाम का सब्सक्राइबर है कि नहीं है पता चल जाएगा तो संकेत को मैंने यहां पर खड़ा कर दिया कहाँ पर खड़ा किया बेटा संकेत को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया ठीक है अब देखो ये दोनों नाम मेरे लिए किसके लिए मेरे लिए ये काले पीले जो थे ना वो काले से कौन से इंटरपुण्रो वाले नहीं पता वो देखे ना पिक्चर में थे ना इंटरले इंट्रोपुंडो कर रहे रहते थे वो लोग तो उनसे लड़ रहे इधर पे ठीक है ये

कटप्पा टकले किसको बोलता है संकेत कटप्पा को बोलता है तो कटप्पा क्या करता है बताएगा कटप्पा को गुस्सा आ जाता है तो टकला कैसे बोला इसने ठीक है तो कटप्पा किससे लड़ना चालू कर देता है संकेत से और अपना संकेत किससे लड़ रहा है बेटा बताओ संकेत अपना लड़ रहा है कटप्पा से ऊंडरू पुंडरू इंजॉय कर रहे हैं बस बोल रहे आपस में ही लड़ रहे इधर पे मैं परेशान मैं परेशान 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 ठीक है मैं यहाँ पर ऐसे परेशान ठीक है कि क्या हो रहा है ये ये मेरे ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या आप ये जो है ना ये मैं इधर पे ऐसे परेशान हो गया क्यों परेशान हो गया बेटा क्यों परेशान हो गया क्योंकि कटप्पा और संकेत आपस में लड़ रहे हैं समझा तो ये प्रॉब्लम हो गई समझा कि नहीं समझा अगर कुछ कटप्पा को चाहिए फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चाहिए ठीक है पानी चाहिए लड़ाई कर रहा है ना मेरे लिए तो कटप्पा को कुछ भी चाहिए तो कौन देगा कौन देगा बताओ मैं ही दूंगा राइट यस और नो कटप्पा को फॉर एग्जाम्पल पानी चाहिए तो मैंने पानी दिया कटप्पा को ठीक है संकेत को पानी चाहिए तो कौन देगा मैं ही दूंगा मतलब दोनों को जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है कौन हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ ठीक है मैं ही दोनों को मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ पर दोनों आपस में ही लड़ रहे तो क्या हो गया ये फॉल्ट हो गया होगा कि नहीं हो गया हो गया तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे ठीक है अब हम लोग क्या समझेंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और right? इसको समझने से पहले थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ कटप्पा और संकेत के बारे में ठीक है ये संकेत है ना अपना संकेत जब मैं पानी ना पानी क्या बेटा पानी जब मैं किसको देता हूँ कटप्पा को देता हूँ ना ऐसे करके ठीक है तो संकेत को अच्छा नहीं लगता है संकेत को अच्छा नहीं लगता है क्यों क्योंकि संकेत को कब मिलता है इसके लिए संकेत क्या बोलते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चॉकलेट थी ठीक है और संकेत अपना कैसा है बताएगा संकेत को दोनों चॉकलेट चाहिए कितनी चॉकलेट चाहिए बेटा दोनों चॉकलेट चाहिए तो जब मैं एक चॉकलेट कटप्पा को देता हूँ ना और एक चॉकलेट संकेत को दूंगा ना तो संकेत को अच्छा नहीं लगता है वो टाइम पे अपना जो संकेत है ना वो भी क्या फील करता है सैड फील करता है क्या फील करता है बेटा सैड फील करता है कि कटप्पा को दे रहे हैं मेरे को एक ही मिल रही है कम मिल रही है इसके लिए ठीक है तो अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए संकेत को तो बुरा लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि कटप्पा को एक चॉकलेट जा रही है ठीक है तो संकेत क्या करता है पता है क्या संकेत अपने जैसे और भाई लोग को बुलाता है अपने जैसे लड़के लोग को बुला के लेके आता है ठीक है अपने जैसे किसको बुला के लेके आता है लड़के लोग को और कटप्पा उसको मार भी रहा रहता है ना तो संकेत क्या करता है अपने जैसी और लड़के लोग को बुलाता है ठीक है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अपने अपने लड़के लोग को और जमा करता है कौन संकेत फिर संकेत के लड़के लोग मिल करके किसको मारेंगे आपको पता है किसको मारेंगे कटप्पा को मारेंगे बेटा क्यों मारेंगे कटप्पा को बताओ क्योंकि कटप्पा किसको मार रहा था संकेत को मार रहा था मार रहा था कि नहीं मार रहा था मार रहा था ना सोई समझ में आ रहा है ना स्टार्टिंग से सुन रहे लोगे एकदम ध्यान से तो समझेगा संकेत मार खा रहा था और देखा उसने किससे मार खा रहा था कटप्पा से और देखा उसने कि मेरा जो सामान है मेरा सामान नहीं इसको और चाहिए था और वही सामान किसके पास जा रहा था कटप्पा के पास तो इसके वजह से संकेत को क्या पड़ रहा था कम पड़ रहा था तो उसने अपने ऐसे लड़के लोग को बुला लिया तो ये लड़के लोग ने क्या क्या पता बताया क्या बेटा ये लड़के लोग ने क्या किया पता है ये लड़के लोग ने सिंपल ये लोग ने कटप्पा को मारना चालू किया और ये लोग खुश हो गए क्या हो गया बेटा खुश हो गए ये लोग क्यों खुश हो गए क्योंकि ये लोग ने किसको मानना चालू किया बताओ इसको मानना चालू किया वो लोग कटप्पा को मानना चालू किया तो ये लोग खुश हो गए ठीक है संकेत के लड़के लोग मिल करके कटप्पा को मार दे दे ठीक है फिर उसके बाद कटप्पा ने क्या किया कटप्पा को अच्छा नहीं लग रहा था कि कटप्पा मार खा रहा था तो कटप्पा ने भी क्या किया अपने जैसे लोग को बुलाया अपने जैसे लोग को क्या किया बुलाया इधर पे ठीक है जैसे वहां पर तीन थे तो कटप्पा ने क्या किया अपने जैसे और टकले लोग को बुलाया चार लोग को अब आप लोग बताइए चार लोग भारी पड़ेंगे कि तीन लोग आप लोग बताइए तीन लोग राइट तो फिर ये जो इनका इमोजी था कौन सा वाला बेटा ये वाला ये वाला ये वाला अब ये हट जाएगा अब ये लोग क्या हो जाएंगे बताओ ये लोग सैड हो जाएंगे क्यों क्योंकि इनको मार पड़ेगी और इनको मारेगा कौन बताओ कौन मारेगा बोलो इनको मारेगा कटप्पा कौन मारेगा कटप्पा समझा कि नहीं समझा मैं तो दुखी हुई क्यों क्योंकि मेरे आपस में ही लड़ रहे हैं ना ये लोग इसके लिए ठीक है इनको मारा तो ये लोग क्या हो गए बेटा सैड हो हो गए क्या एकदम अपना फनी स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ एकदम ये लोग कैसे हो जाएंगे एकदम सैड हो जाएंगे समझे कि नहीं समझे आप समझे ना जब ये लोग इसके ऊपर भारी पड़ गए ठीक है और एक बार क्या हुआ संकेत लोग कटप्पा पे भारी पड़ गए एक बार क्या हुआ कटप्पा लोग संकेत के ऊपर भारी पड़ गए समझा कि नहीं समझा इसका काम करो स्क्रीन लो ठीक है फिर आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं इंद्र पुंड्रू खुश है उधर पे ठीक है उसको कुछ मतलब ही नहीं देख रहे लोग आपस में लड़ रहे हैं ठीक है समझे कि नहीं समझे समझे अब कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं चलिए ठीक है प्रशांत सर ने इंट्रो में बताया था ना मेरे बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जलवा है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और भी जलवा है ठीक है ऑर्गेनिक भी पढ़ा लेता हूँ ऐसा नहीं ऑलराउंडर राउंडर हूँ मैं भी एकदम ठीक है गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अब देखो कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करता हूँ संकेत का टप्पा स्टोरी समझाना नहीं समझा तो पाँच मिनट पहले जाना फिर से देखना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार जा करके फिर से देखो तो आपको याद आ जाएगा संकेत का टप्पा में क्या हो रहा है ठीक है चलो अब हम लोग समझते हैं इसको हम लोग समझते हैं देखो ध्यान से यहां पर हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है बेटा कौन है न्यूक्लियस है ठीक है अब यहां पर हमारे पास ऑर्बिट है कौन सा ऑर्बिट है दिस इज माई फर्स्ट ऑर्बिट ठीक है फिर यहां पर मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से राइट अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर ना ध्यान से देखिए यहां पर ना अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है कौन है बेटा इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से यहां पर सपोज दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है और यहाँ पर ना एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या है बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है ध्यान से समझिए तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन है ये टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है ना तो तीनों के तीनों क्या है बेटा कॉन्टैक्ट में क्या है बेटा कॉन्टेक्ट में किसके साथ कॉन्टैक्ट में बताओ इसके साथ किसके साथ ये हमारे न्यूक्लियस के साथ तो जब हमारा न्यूक्लियस ना न्यूक्लियस हमारा जब इसको अट्रैक्ट करता है और इसको अट्रैक्ट करता है ठीक है तो उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब ध्यान से देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिट ठीक है बेटा और इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिट क्या बोलते हैं बेटा इनर ऑर्बिट ठीक है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिट बोलते हैं अब ध्यान से देखिए ये जो लाल वाला इलेक्ट्रॉन है ना कौन सा वाला ये रेड वाला दिस वन दिस 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 रेड वन ये क्या करता है बेटा आप पता है क्या ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना मेरा कौन सा रहा है ये वाला इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनिए ये आउटर मोस्ट है ठीक है मैंने गलत लिखा दिया आपको सॉरी मैंने आपको ना एक गलत लिखा दिया उसके क्षमा चाहते हैं हम ध्यान से देखिए इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल क्या बोलेंगे बेटा इनर अंदर का इस ऑर्बिटल को हम लोग आउटर बोलेंगे ठीक है ये लास्ट है ना यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये अंदर का ये बाहर का मैं वहां से देख रहा था तो इसके लिए ऐसे मैंने कर दिया दे। देखिए ध्यान से अब हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए एकदम ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल का ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर ऑर्बिटल का ये इनर वाला क्या करता है बेटा एक शील्ड बनाता है क्या बनाता है बेटा एक शील्ड बनाता है क्या बनाता है मेरे साथ बोलिए शील्ड बनाता है कैसे शील्ड बनाता है ऐसी शील्ड बनाता है जिससे ये जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है ये ना अट्रैक्ट हो सके हमारे न्यूक्लियस से इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट अट्रैक्शन टू डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बाय एन इनर इलेक्ट्रॉन इज इज कॉल्ड ए शील्डिंग इफेक्ट ठीक है ये जो हमारी शील्ड बनी है ना शील्ड ये शील्ड ठीक है क्यों शील्ड बनाया हम लोगों ने क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट हो रहा था हमारे न्यूक्लियस से तो यहां पर जैसे हम लोग शील्ड बना देंगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा बेटा क्या नहीं हो पाएगा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस से इसी को हम लोग क्या बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट अब ध्यान से देखिए आप समझने की कोशिश करिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ना एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं ठीक है किस में है चार इलेक्ट्रॉन डाले मैंने इनर ऑर्बिटल में किस में बेटा इनर ऑर्बिटल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए बेटा बोलो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए चार इलेक्ट्रॉन डाल दिए और मेरे आउटर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप खुद से सोचिए यहाँ पर चार है यहाँ पर एक है तो ये वाला रिप्रेजेंट करता था शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि के लिए। क्लियर हो गया अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा ठीक है ऐसे करके बढ़ा दिए अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा समझा ऐसे लिख लीजिए इनर जब आप अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ठीक है तो इसका मतलब शील्डिंग क्या है शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा ठीक है अगर आउटर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ठीक है आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है तो वो टाइम पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ज्यादा है सबको समझा यस yes no? और नो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन ठीक है आई होप आपको समझा होगा सिंपल सी बात है बेटा इनको देखना है आपको ये वाले शील्डिंग इफेक्ट करेंगे शील्ड करेंगे देखिए ना ये जो अपने थे संकेत वाले लोग क्या shield कर रहे थे शील्ड कर रहे थे किसको कटप्पा को अब मेरे से मिलने के लिए समझे कि नहीं समझे फिर इसी को हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट और मैं जब इन दोनों से अट्रैक्ट हो रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इफेक्टिंग के लिए चार्ज ऐसा क्यों होता है सीधी सी बात है बेटा देख सिंपल है ये ना यहां पर इलेक्ट्रॉन है यह सो नो हूं यहां पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन है दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एल है तो इसमें नेगेटिव का चार्ज है इसमें भी क्या है नेगेटिव का चार्ज है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा क्या करेंगे बताओ रिपेल करेंगे क्या करेंगे बच्चा रिपेल करेंगे इसके लिए मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है और न्यूक्लियस क्या करता है अट्रैक्ट करता है जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा उसको इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज और जब ये वाले इनर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे क्यों रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज है ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट आई होप आपको ये समझा होगा अब इसका जो फॉर्मूला है ठीक है और इसका जो ट्रेंड है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो से दूसरा वीडियो रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे ऑल right? चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्चों अलविदा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा एंड योर अभिषेक सर थैंक यू सो मच